एक व्यक्ति ने एक बार जब भगवान बुद्ध से पूछा कि प्रेम और पसंद में क्या अंतर है, तो भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर एक फूल है, अगर तुम उससे एक फूल है अगर तुम उससे पसंद करते हो तो तुम उसे तोड़ लोगे और अपने पास रख लोगे, और अगर तुम उससे प्रेम करते हो तो उसी पुष्प के पेड़ को रोज़ पानी दोगे और उसे फलने फूलने दोगे। तो यही अंतर है प्रेम और पसंद में, जो कि गौतम बुद्ध द्वारा बताया गया है। तो फ्रेंड्स, कितना सुंदर अंतर उन्होंने बताया है, उन्होंने जो अंतर बताया है वो तो बहुत ही स्पष्ट है। तो ये अंतर सुन के वो जो व्यक्ति था वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया और कहा कि मेरी समझ में आ गया है भगवान बुद्ध प्रेम और पसंद का अंतर क्या होता है। तो पसंद वो चीज़ है कि आप इस बात का नहीं ध्यान रखोगे सामने वाले के लिए कि उसे हर्ट हो रहा है या नहीं, लेकिन प्रेम वो चीज़ है कि आप कभी भी उस चीज़ को हर्ट नहीं कर सकते। तो प्रेम वो चीज़ है कि आप जाने अनजाने में कभी भी किसी भी कीमत पे उस व्यक्ति उस वस्तु को कभी दुख नहीं पहुंचा सकते, हानि नहीं पहुंचा सकते। तो ये शक्ति है प्रेम की। और पसंद उस छोटे बच्चे की ज़िद की तरह है कि बस मुझे वो चाहिए तो चाहिए, फिर आगे उसका क्या हो क्या नहीं आपको कोई मतलब नहीं होता, फिर चाहे इससे उस व्यक्ति या वस्तु की हानि क्यों न हो। तो ये है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, नमस्ते, शुक्रिया।